अरिजीत सिंह का साल भर में हो गया था पहली पत्नी से तलाक। एक बच्चे की मां से गुपचुप रचाई थी दूसरी शादी। बॉलीवुड के हिट सिंगर अरिजीत सिंह आशिकी के गानों से रातों रात लाइमलाइट में आए थे। अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखने वाले अरिजीत को लेकर कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने दो शादियां की हैं। पहली पत्नी से तलाक होने के बाद उन्होंने एक बच्चे की मां से दूसरी शादी की थी। अरिजीत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत तबला बजाने से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने आइडल संगीतकारों को फॉलो कर संगीत की दुनिया में अपने कदम बढ़ाए। उनके आइडल संगीतकारों की लिस्ट में गुलाम अली खान, उस्ताद राशिद खान और जाकिर हुसैन जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अरिजीत ने पहली बार एक टीवी शो में हिस्सा लिया था जिसका नाम फेम गुरुकुल था। खास बात यह है कि इस शो में ही संजय लीला भंसाली ने अरिजीत को पहली बार नोटिस किया और उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म सावरिया में मौका दिया। अरिजीत ने संगीत की दुनिया में जितना नाम कमाया है उतना ही उनका निजी जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। अरिजीत ने पहली शादी रियलिटी शो के दौरान मिली को कंटेस्टेंट से साल 2013 में की थी, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते यह शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 2013 में ही दोनों अलग हो गए। साल 2014 में उन्होंने अपनी दूसरी शादी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से की। कोयल पहले से शादीशुदा थी। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम के चलते कोयल ने पहले पति से तलाक लेकर अरिजीत से शादी कर ली। कोयल रॉय की पहली शादी से एक बच्चा भी है।